राज्य सरकार द्वारा सामान्य जनता माटे जेनेरिक मेडिसिन स्टोर उपलब्ध करावामां आव्या छे, जेनो उद्देश्य छे के लोकोने ऊंचा दरे दवा मळी रहे। त्यारे सोशियल मीडियामां एक मेसेज वायरल थयो छे, जेमां एवो दावो करवामां आव्यो छे के अमदावादना प्रहलाद नगर विस्तारमां खानगी धोरणे पण जेनेरिक मेडिसिन स्टोर शुरू थयो छे। त्यारे वायरल मेसेजनी पड़ताल करवामां आवी अने खरेखर लोकोने लाभ मळी रह्यो छे के नहीं तेनी तपास करवामां आवी हती। अमदावाद में शुरू थया खानगी जेनेरिक मेडिसिन स्टोर शु 15-80% सुधी मळे छे डिस्काउंट? सोशल मीडिया में वायरल थयो मेसेज, मेसेज में डिस्काउंट में दवा मळती होवानो दावो, मोंगी दवा मेळवी शको छो सस्ता भावे। वायरल मेसेज साचो के खोटो? सोशल मीडिया आ एक एवं माध्यम छे के जेना थकी कोई पण प्रकारनो मेसेज घड़ी भर में लाखों करोड़ों लोको सुधी पहुंचाड़ी शकाय छे, जेना कारणे केटलीक वार आ मेसेज थी कोई ने फायदो थाय छे तो क्यारेक मजाक पण गंभीर स्वरूप धारण करी ले छे। परंतु आजे आपणे वात करीशुं सोशल मीडियाना सारा समाचारोनी। आजना मोंघवारीना समयमां वस्तुओना भाव वधी रह्या छे, त्यारे सामान्य परिवारो माटे दवानो खर्च उठावो घणीवार मुश्किल बनी जाय छे। राज्य सरकारे आ समस्या सामे थोड़ी राहत आपवाना उद्देश्य थी जेनेरिक दवाना स्टोर शुरू करवामां आव्या छे। सोशल मीडिया पर वायरल थयेलो मेसेज लोकोमां उत्सुकतानुं कारण बन्यो छे, अने ते छे राज्य सरकार बाद खानगी धोरणे शुरू थयेलो जेनेरिक दवाओनो स्टोर। वायरल थयेला आ मेसेज में दावो करवामां आव्यो छे के अमदावाद में सौ प्रथम जेनेरिक मेडिसिन रिटेल स्टोर के जेमां 15-80% जेटलू डिस्काउंट अपाय छे। आ स्टोर प्रहलाद नगर बगीचाना चार रस्ता उपर शुरू कर्यो छे, ज्यां आपने मळशे दरेक प्रकारनी दवाओ सस्ता भावे। तो आ साथे मेसेज में लख्यु छे के डायाबिटीज, बीपी, कैंसर, मल्टीविटामिन, एंटीबायोटिक नी दवाओं पर 50-80% सुधी नो डिस्काउंट आपवामां आवशे। आ मेसेज दरेक लोकोने वधुमां वधु शेर करवा माटे पण अपील करवामां आवी, जेनाथी सामान्य व्यक्ति तेनो लाभ लई शके। वायरल थयेला मेसेज में प्रहलाद नगर गार्डन पासेना कैम्पस कॉर्नर नी 17 नंबर नी दुकान में आ जेनेरिक स्टोर आवेलो होवानुं कहेवायुं छे। वीटीवी नी टीम जारे आ स्थळे पहोंची त्यारे आ एड्रेस साचुं होवानुं जणाव्युं, ज्यां मेडिजोन नामनो मेडिकल स्टोर छे। नियत स्थळे पहोंच्या बाद वीटीवी रिपोर्टरे वात करी मेडिकल स्टोरना संचालक साथे अने ए जाणवानो प्रयास कर्यो के आ वायरल थयेलो आ मेसेज केटलो साचो छे। जेनेरिक मेडिसिन पे आपको 80% प्राइस 80% यानी कि जो चीज आपको 100 और 100 से वो होती है वो 20-25 रुपीस में आपको पड़ती है। तो मैसेज तो बिल्कुल 100% सही है। हम आपको एग्जांपल के तौर पे कुछ बिल भी बता देंगे जिससे आपको कंफर्म हो जाए कि भाई हाँ ये मैसेज बिल्कुल करेक्ट है। हम वीटीवी की पड़ताल में यह जानवा मळ्यु के अहीं जेनेरिक मेडिकल स्टोर छे, तेमज लोकोने खूब ज राहत दरे दवाओ डिस्काउंट में आपवामां आवे छे। जेनेरिक जो हम प्रमोट करते हैं सेम कंपनी, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये एबू किट आता है, इसका हॉस्पिटल में प्राइस है 5000 से ऊपर और इसकी एक्चुअल कोट है मस्त, हमारा कोस्टिंग 650, तो हम इसमें 5% मार्जिन जोड़ के हम इसको 680 या 690 में पहुँचा देते हैं। बट यदि आप हॉस्पिटल से परचेज करते हो तो इसका 5200, इसका मेरे पास सेल्वी का बिल ही है, हमने अभी एक पेशेंट को सप्लाई किया था जिसने सेल्वी ने इसका कोस्ट किया था 5250 रुपीज़ और यही चीज़ हमने कस्टमर को ला के दी 690 में। હવે આપણે જણાવી દઈએ કે જેનેરિક મેડિકલ સ્ટોર કેવી રીતે તમને સેવા આપે છે। જો કોઈ તબીબે તમને અમુક બીમારીની સારવાર માટે દવા લખી આપી હોય તો બની શકે કે બ્રાન્ડેડ કંપનીની દવા તમને મોંઘી પડે છે, પરંતુ જ્યારે તમે જેનેરિક મેડિસિન સ્ટોરમાં દવા લેવા જશો ત્યારે તમને બ્રાન્ડેડ કંપનીની દવાને બદલે પ્રાદેશિક કંપનીની દવા આપવામાં આવે છે। પ્રાદેશિક કંપનીની દવા બ્રાન્ડેડ દવા જેવી જ અસરકારક હોય છે, તેનાથી તમને કોઈ નુકસાન પણ થતું નથી। જે બ્રાન્ડેડ દવાની કંપનીઓ પોતાની પ્રોડક્ટ વેચવા માટે તબીબોને કમિશન આપે છે તેમજ માર્કેટિંગ કરે છે, ત્યારે આ જ ગુણવત્તા ધરાવતી અને અસરકારક દવા વેચનારી પ્રાદેશિક દવા કંપનીઓ આવો ખર્ચ કરતી નથી। આમ જેનેરિક દવા તમને સસ્તામાં મળી રહે છે અને જેનો લાભ સામાન્ય નાગરિકોને મળી રહે છે।
આમ વી ટીવીની પડતાલમાં વાયરલ થયેલો આ મેસેજ સાચો સાબિત થયો છે। અમદાવાદના પ્રહલાદનગર ગાર્ડન પાસે એક નવો જેનરિક સ્ટોર ખુલ્યો છે અને તે દવા ઉપર 15-80% સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ આપે છે અને ગ્રાહકોને ખૂબ જ લાભ થાય છે તે પ્રકારનો સોશિયલ મીડિયામાં જે મેસેજ ફરતો થયો છે તેનું તથ્ય તપાસવા માટે વીટીવીએ જે પ્રયાસ કર્યો અને વીટીવીના આ પ્રયાસમાં ખરેખર આ મેસેજ સાચો સાબિત થયો છે એટલે કે આ એક વાયરલ સચ છે। કેમેરામેન દશરથ ઠાકોર સાથે અર્પણ કાયદાવાલા વીટીવી ન્યૂઝ અમદાવાદ। પણ ફરી એકવાર સમય થઈ ગયો છે એક